आपका मेरे YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नी पेन के बारे में। नी पेन होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर ओल्ड एज में जो सबसे बड़ा कारण है वह है नी आर्थराइटिस। तो आज हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में। नी आर्थराइटिस कैसे होता है, उनके जवाबदार कारण कौन से है, उनको आप कैसे दूर कर सकते हो और अपने नी को नॉर्मल बना सकते हो, और आखिर में ऐसे 26 मैजिकल फूड्स के बारे में जानेंगे कि जिनको आप अपनी डाइट में ऐड करके नी पेन को गायब कर सकते हो। पहले जानते हैं नी के बारे में। नी जॉइंट में बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, मसल्स और साइनोवियल फ्लूइड मुख्य तरीके से होते हैं, जिनमें बोन्स नी का स्ट्रक्चर बनाता है, लिगामेंट्स यह स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, मसल्स बोन को मूवमेंट प्रदान करता है और कार्टिलेज बोन के ऊपर स्लिपरी सरफेस बनाता है और उनको स्मूथ मूवमेंट करने देता है ताकि कोई बोन सरफेस में घिसारा ना हो, और साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन का काम करता है। यह सब कंपोनेंट अगर सही तरीके से काम कर रहे हो, उनको सही न्यूट्रिशन मिलता हो, तो आपका नी जॉइंट कभी भी तकलीफ में नहीं आएगा। पर आजकल नी आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन सी बात होने लगी है, तो फिर बात करते हैं क्यों नी आर्थराइटिस होता है। अगर नी जॉइंट्स के आसपास के मसल्स वीक हो और आपका वेट ज्यादा हो, तो फिर जॉइंट्स के बोन्स एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं और फिर कार्टिलेज रब होने लगेगा। कार्टिलेज में वेयर एंड टेयर होगा और वह घिस जाएगा और नी में पेन, स्वेलिंग, आवाज आने लगेगी, नी की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होने लगेगी। यह कारण सबसे कॉमन है। दूसरी तरफ आयुर्वेद के हिसाब से नी आर्थराइटिस शरीर में वायु के बढ़ने से होता है, इसीलिए नी आर्थराइटिस को संधिवात भी बोलते हैं। शरीर में वायु बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ओवर एक्सर्शन यानी कि हद से ज्यादा काम करना। उम्र के बढ़ने से भी वायु शरीर में बढ़ता है। वायु प्रकृति वाले लोगों में वायु जल्दी से बढ़ता है। ज्यादा ठंडी में रहने से, ठंडी चीजों को खाने से भी वायु बढ़ता है। रात को देर रात तक जगने से भी वायु शरीर में बढ़ता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी वायु बढ़ता है। यह सब कारणों से शरीर में वायु बढ़ता है और नी आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायु का नेचर है ड्राइनेस यानी कि सूखापन लाना, वह किसी भी चीज को सूखा देता है। वायु शरीर में बढ़ने से नी जॉइंट में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उनको सूखा देता है। साइनोवियल फ्लूइड सूख जाने से नी जॉइंट को लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता, इसीलिए जॉइंट में डीजनरेशन शुरू हो जाता है और कार्टिलेज में नुकसान आने लगता है और आपको जॉइंट पेन होता है। जॉइंट में स्वेलिंग आता है और जॉइंट की मूवमेंट अटक जाती है। तो फिर आप इनसे कैसे बच सकते हो? प्रॉपर फूड लेने से कार्टिलेज, बोन, मसल्स और लिगामेंट को नरिशमेंट मिलता है और वह मजबूत होता है। एक्सरसाइज करने से मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और जॉइंट की मोबिलिटी मेंटेन रहती है। ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है कि जिनसे शरीर में वायु बढ़े। लाइफस्टाइल को चेंज करना है। यह सब चीजों को फॉलो करने से आप नी आर्थराइटिस से बच सकते हो। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे 26 मैजिकल फूड्स के बारे में जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके नी पेन से छुटकारा पा सकते हो और डैमेज कार्टिलेज को भी रिपेयर कर सकते हो। तो जानते हैं यह 26 मैजिकल फूड्स के बारे में। नंबर 26, सीसम ऑयल यानी कि तिल का तेल। सीसम में सीसेमिन नाम का कंपोनेंट होता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, वह एक पेन किलर की तरह काम करता है। तिल को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो, इनके तेल का खाने में यूज कर सकते हो या तो फिर इनसे आप मसाज भी कर सकते हो। नंबर 25, बोटल गोर्ड यानी लौकी। यह डायरेक्टली नी पेन में फायदा नहीं करता है, पर लौकी पचने में बहुत ही हल्की होती है। इनमें 90% वाटर होने से वह कॉन्स्टिपेशन में फायदा करता है। वायु बढ़ने का एक कारण कॉन्स्टिपेशन भी है, इसीलिए नी आर्थराइटिस में लौकी खाने से इनडायरेक्टली फायदा मिलता है। नंबर 24, कैस्टर ऑयल
यानी दिवेल, इनको आप डायरेक्टली नी पे लगा सकते हो या तो इनको आप गर्म दूध में डाल के भी पी सकते हो, जिनसे कॉन्स्टिपेशन में काफी फायदा मिलता है। आंतों को अच्छी तरीके से क्लीन करता है, वायु को नहीं होने देता। नंबर 23, नाइट जैस्मिन यानी हरसिंगार, पारिजात या तो रात की रानी, यह एंटी इंफ्लेमेटरी है। इनको लेने से नी पेन में काफी फायदा होता है। 5 से 6 पत्ते को एक ग्लास पानी में उबालिए जब तक कि पानी आधा ना हो जाए। इनको ओवर नाइट रखिए, सुबह में खाली पेट पी जाइए। यह प्रयोग 1 से 3 महीना कर सकते हो। नंबर 22, ड्रम स्टिक यानी सरगवा। इनमें विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इनको आप एक सुपर फूड भी बोल सकते हो। इनके पत्ते को उबाल के ले सकते हो, इनकी सींगों का सूप बनाकर ले सकते हो। सरगवा में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिनसे नी आर्थराइटिस में काफी फायदा मिलता है। नंबर 21, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना। जी हाँ, तंबाकू के साथ जो चूना यूज करते हैं वही। चूने में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। एक मूंग के दाने जितना चूना हर रोज सुबह में खाली पेट दही के साथ लेने से नी पेन में फायदा मिलता है। इनको आप पोमेग्रेनेट जूस, पाइनएप्पल जूस या तो ऑरेंज जूस के साथ भी ले सकते हो। नंबर 20, आलमंड्स। आलमंड में विटामिन ई बहुत ही ज्यादा होता है, वह एंटीऑक्सीडेंट है। आलमंड में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इनमें ओमेगा 3 ज्यादा होने से वह कार्टिलेज को नरिश करता है। नी पेन के लिए भिगोए हुए आलमंड्स को लेना चाहिए। नंबर 19, टर्मरिक यानी हल्दी। इनमें करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है। इनको आप गर्म दूध में डाल के ले सकते हो। इनको आप हनी में मिला के पेस्ट बनाकर भी नी पर लगा सकते हो। नंबर 18, जिंजर। वह एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एनाल्जेसिक है। यह बहुत सारे रोगों में फायदेमंद है। जिंजर टी बनाकर ले सकते हो। जिंजर के पाउडर को गर्म पानी में डालकर खाने के आधे घंटे पहले लेने से फायदा मिलता है। जिंजर ऑयल का भी नी के ऊपर मसाज कर सकते हो। नंबर 17, कैरेट। कैरेट में विटामिन ए अच्छी मात्रा में होने से वह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, इसलिए नी आर्थराइटिस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 16, फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी के दाने। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिनसे वह आर्थराइटिस में बहुत ही फायदेमंद है। मेथी से डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, वह पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है। मेथी को रात को भिगोकर सुबह में खाली पेट लेना चाहिए। नंबर 15, त्रिफला। इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इनके पाउडर को सुबह में ल्यूक वॉर्म वाटर में मिक्स करके खाली पेट ले सकते हो। नंबर 14, बबुल। इनके फल के पाउडर को गर्म पानी में डाल के सुबह में खाली पेट लेने से फायदा मिलता है। नंबर 13, फ्लैक्सीड्स यानी अलसी। अलसी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से भरपूर है, जो कि कार्टिलेज को नरिश करता है, जिनसे लुब्रिकेशन अच्छी तरीके से होता है। यह एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। नंबर 12, कोकोनट। इनका फैट हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है। इनको आप खाने में ऐड कर सकते हो, इनका ताजा पानी भी पी सकते हो, इनके ऑयल का नी पर मसाज कर सकते हो। नंबर 11, कैबेज। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। इनको आप सलाद तथा सूप में यूज कर सकते हो या तो इनके पत्ते को डायरेक्टली नी पर गर्म करके लगा सकते हो। नंबर 10, ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथल नाम का कंपाउंड होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इनसे आप नी पर मसाज कर सकते हो। इनको आप अपने खाने में भी ऐड कर सकते हो। नंबर 9, ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोरेफेन नाम का तत्व होता है, जो कि कार्टिलेज के डैमेज को बचाता है और नी पेन को कम करता है। नंबर 8, सोयाबीन। सोयाबीन में आइसोफ्लेवोनोइड्स होता है, जो कि प्लांट का हार्मोन है, जो एंटी इंफ्लेमेटरी है। नंबर 7, पपैया।
द्वारा पपैया विटामिन से भरपूर होते हैं, वह एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। नंबर 6 मैंगो। मैंगो में विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, यह एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, इसीलिए नी पेन में फायदा देता है। नंबर 5 ऑरेंज। ऑरेंज में विटामिन सी ज्यादा होता है, इसीलिए नी पेन में फायदा करता है। नंबर 4 कीवी। कीवी में विटामिन सी ज्यादा होने से वह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। नंबर 3 मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल, इनको आप नी पर मसाज कर सकते हो, जिनसे वह ब्लड फ्लो इम्प्रूव करके मसल पेन और सोरनेस कम करता है। यह तेल को गर्म करके इनमें 2 से 3 गार्लिक क्लोव ऐड करके भी यूज में ला सकते हो। नंबर 2 गार्लिक, इनके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज की वजह से यह आर्थराइटिस में फायदेमंद है, इनमें सल्फर अच्छी मात्रा में होता है, यह सल्फर कोलेजन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और कोलेजन कार्टिलेज को बनाता है, इसीलिए गार्लिक इनडायरेक्टली कार्टिलेज के नया बनाने में फायदा करता है। नंबर 1 ग्रीन टी। ग्रीन टी में ECCG होता है जो कि इंफ्लेमेशन पैदा करने वाले मॉलिक्यूल्स को हटाता है, जिनसे जॉइंट्स को डैमेज नहीं होता, इसीलिए ग्रीन टी आर्थराइटिस में फायदा करती है। इनको आप खाने के 20 से 30 मिनट के बाद ले सकते हो। तो यह हो गए 26 मैजिकल फूड्स टू क्योर नी आर्थराइटिस इन ओल्ड एज। अगर मेरी ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इनको लाइक जरूर करिए, इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी फायदा मिले। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि यह वीडियोस पहले ही आपको मिल जाए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का बटन है उनको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।